हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने लीनियरली इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस से लेके बेसिस क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट्स की डेफिनेशन क्या होती है, किस तरह से उनको निकालते हैं, ये सब कुछ पढ़ा था हमने। हमारे पास अभी एक एग्जाम्पल ले लें, लेट वी वन एंड वी टू ये हमारे पास और एक्स बराबर ये है, एंड लेट बी जो है वी वन वी टू, यानी ये जो बी जो है वो बेसिक है, बेसिस है या गिवन है हमारे पास। वन कैन शो दैट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो ये भी शो किया जा सकता है बी जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एंड देयर फोर आ बेसिस फोर। अब बेसिकली लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करने के लिए क्या शो करना होगा हमारे पास, अगर सी वन बी वन प्लस सी टू वी टू इक्वल टू जीरो अगर हम पुट करें तो सी वन और सी टू दोनों जीरो होने चाहिए। तो इसको हम देख सकते हैं थ्री, इसके मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट किस तरह से बनेगा, थ्री सी वन माइनस सी टू इक्वल टू जीरो, और यहाँ से बनेगा सिक्स सी वन इक्वल टू जीरो, और यहाँ से बनेगा टू सी वन प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ये रिलेशन बनेंगे। तो यहाँ से डायरेक्टली हमारे पास आ गया सी वन इक्वल टू जीरो, क्योंकि सी वन तो बाकी तो हो नहीं सकता, तो सी वन अगर जीरो आ गया तो यहाँ से हो गया हमारे पास सी वन जीरो, तो बाकी भी ये टर्म जीरो, अगर सी वन यहाँ पे जीरो करेंगे तो सी टू बराबर जीरो, जो कि इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ से इसका ओनली ट्रेबल सॉल्यूशन सी वन बराबर सी टू इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये जो है बेसिस है, ये हो गए हमारे पास। एंड देयर फोर बेसिस फोर डब्ल्यू बराबर स्पेन वी वन वी टू, डिटरमाइन इफ एक्स इज इन डब्ल्यू, अगर एक्स जो है डब्ल्यू में है तो हमारे पास यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ एक्स, जो कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ एक्स निकालने रिलेटेड टू बी। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ एक्स निकालने के लिए एक्स बराबर यानी सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू, और सी वन और सी टू कोऑर्डिनेट वेक्टर्स होंगे, तो सी वन और सी टू को निकालना है। तो सी वन और सी टू को सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं, इन्होंने इस तरह से सॉल्व किया है, इस तरह से सॉल्व करके बेसिकली आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से रिलेशन क्या बन गया हमारे पास, अगर यहाँ से देखें तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स था वो चेंज हो गया, वन जीरो 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 वन जीरो, और ये है हमारे पास इधर है सी वन सी टू इक्वल टू टू थ्री एंड जीरो। तो ये हो गया सी वन इक्वल टू टू सी टू इक्वल टू थ्री, और यहाँ से कोई रिलेशन आएगा ही नहीं, तो सी वन और सी टू जो है ये हमारे पास निकल आ चुके हैं। तो सी वन और सी टू इस तरह से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ वी, ये है इन द स्टैंडर्ड बेसिस, इन द स्टैंडर्ड बेसिस थ्री ई वन ई टू ई थ्री। तो बेसिकली स्टैंडर्ड बेसिस में हमें ज़्यादा कुछ चेक करने की जरूरत नहीं होती, स्टैंडर्ड बेसिस का बेसिस अगर दिए हुए हैं तो वो कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो यही कोऑर्डिनेट होते हैं, थ्री इलेवन माइनस सेवन, यानी जो कोऑर्डिनेट इसके जो होंगे वो सिंपली आप चेक करके भी जा सकते हो, क्योंकि ये हमारे पास सी वन सी टू सी थ्री, यानी सी वन ई वन प्लस सी टू ई टू प्लस सी थ्री ई थ्री इक्वल टू, और ये वेक्टर ये तो यहाँ पे आ जाएगा सी वन वन जीरो जीरो प्लस सी टू जीरो वन जीरो प्लस सी थ्री जीरो जीरो वन इक्वल टू थ्री इलेवन एंड सेवन। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे सी वन बराबर आ जाएगा थ्री, सी टू बराबर आ जाएगा इलेवन, और ये सॉल्व माइनस सेवन है तो सी थ्री बराबर आ जाएगा माइनस सेवन। तो यहाँ से ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके। तो इसी तरह से और भी एग्जांपल हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये एक एग्जांपल है हमारे पास, लेट पी थ्री टी इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट थ्री, सो दैट बीटा बराबर वन टी टी स्क्वायर टी क्यू इज द बेसिस फॉर पी थ्री टी। पहले तो हमें शो करना है कि ये पी थ्री टी का बेसिस है, उसके बाद करना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वी टी बराबर थ्री माइनस टी स्क्वायर माइनस सेवन टी क्यू रिलेटेड टू बी। तो ये हमें चेक करना है। तो पहले द सेट बी जो है ये हमारे पास वन टी टी स्क्वायर टी क्यू जो है वो पहले चेक करना है कि ये इससे सारे पॉलिनोमियल यानी कि पी वन पी सॉरी पी जीरो प्लस पी वन एक्स प्लस पी टू एक्स स्क्वायर प्लस पी थ्री एक्स क्यू, अगर ये यहाँ पे टी लिया हुआ है तो यहाँ पे टी अब बेसिकली एक्स जगह टी रिप्लेस कर देंगे, टी टी एंड टी, तो ये हो जाएगा हमारे पास। यानी इस फॉर्म का कोई भी मैट्रिक्स लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है तो डेफिनेटली लिखा जा सकता है, जहाँ पे पी वन कोई भी अगर हम मैट्रिक्स
मैट्रिक्स ले तो P0 की वैल्यू आ जाएगी, P1 की वैल्यू, P2 और P3 की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास स्पेन कर सकता है। तो ये हम यहाँ से हो गया कि B जो है वो स्पेनिंग है P3T को। अब हमें चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंस है या नहीं। तो लीनियरली इंडिपेंडेंस के लिए बेसिकली C1 डॉट A, C2 डॉट T, C3 डॉट T² और C3 डॉट TQ इक्वल टू 0। अब ये कब 0 होंगे, जब C1 बराबर, C2 बराबर, C3 बराबर, C4 बराबर, सभी 0 हो। तो इस कंडीशन में दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये हमारे पास बी था ये बेसिस है P3T का। अब हमें चेक करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस टर्म। तो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस टर्म निकालने के लिए, अब ऐसे बेसिकली इसको निकालने की ज़्यादा भी जरूरत नहीं है हमारे पास, अगर निकालना भी पड़े तो C1T + C2T, सॉरी C1 1 है यहाँ पे, C1 1, C2T, C3 T² प्लस C4 TQ इक्वल टू ये हमारे पास जो सेट है 3 - T² - 7 TQ। तो यहाँ से अगर कंपेयर करें तो C1 बराबर क्या आ गया, 3। C1 बराबर 3 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, C2 बराबर, C2T का कोई कंपोनेंट नहीं, तो यानी 0 T² हो जाएगा, तो 0। और ये C3 बराबर आ गया हमारे पास -1 और C4 बराबर -7। तो ये हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट आ गया, हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ बी टी रिलेटेड टू बी ये निकल गया। इसी के साथ हमारे पास ये एग्जांपल हो रहा है हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दैट बी बराबर ये है, इज द बेसिस फॉर M2x2 मैट्रिक्स का लिए के लिए बेसिस है। और ऑब्वियसली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 3 - 4 0 - 1 रिलेटेड टू बी। तो अगर बेसिकली हम यहाँ से भी देखें तो ये हमारे पास जैसे E1, अगर E2 उसी फॉर्म में है ये, क्योंकि ये सारे उसको इम्प्लाइज करता है, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट जो होंगे आंसर मैं अभी अभी बता सकता हूँ 3 - 4 0 - 1। अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है तो उस कंडीशन में कोऑर्डिनेट भी जो होता है वो सेम ही होता है। तो इसको हम जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं कि एनी मैट्रिक्स एम जो है M11 M22 कैन बी रिटन एज द लीनियर लीनियरली कॉम्बिनेशन ऑफ इन इनके जो लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऑब्वियसली M11 प्लस ये M2 ये M3 ये M4 ये, एंड इफ अगर C1 V1 प्लस C2 V2, तो इस कंडीशन में हमारे पास ये आ जाएगा इसका फाइनल जो आएगा इस तरह से आएगा C1 C2। ये यहाँ पे ये कब पॉसिबल है, जाए सारे के सारे 0 हो। तो यहाँ से हमारे पास हो गया कि जो बी जो है, पहले चेक किया कि बेसिस है, तो ये बी बी जो है वो बेसिस हो गया। अब हमें लिखना है C1 V1, यार ये V1 है, तो C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 प्लस C4 V4 इक्वल टू ये मैट्रिक्स, क्योंकि अब हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, यानी कि 3 0 - 4 - 1। तो यहाँ पे उस कंडीशन में हमारे पास ये जो C1 V1 ये सॉल्व किया, तो हमारे पास ये आया था C1 C2 C3 C4 इक्वल टू ये मैट्रिक्स 3 - 4 0 - 1। तो यहाँ से C1 बराबर आ गया हमारे पास, C1 बराबर आ गया 3, C2 बराबर आ गया 0, C4 बराबर आ गया -4 एंड C3 बराबर आ गया -4 एंड C4 बराबर आ गया, C4 बराबर ये -1। तो ये हमारे पास C1 C2 C3 इस तरह से निकाले जा सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका रिलेशन आ गया। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेट्स मैपिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।